नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। NH-75E चाईबासा हाट गमरिया सड़क की बदहाल स्थिति के लिए समर्थन से चल रही झारखंड सरकार, जिला प्रशासन को कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने आड़े हाथों लिया है। सड़क की बदहाल स्थिति के लिए जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चाईबासा हाट गमरिया सड़क बीते 3 वर्षों से जर्जर बनी हुई है। सड़क की बदहाल स्थिति का मामला समय समय पर न्यूज टाइम्स चैनल के द्वारा उठाया गया है। चैनल के द्वारा दिखाए समाचार के बाद 3 करोड़ की लागत से सड़क मरम्मती का निविदा निकाला गया। सड़क की 3 करोड़ की लागत से मरम्मती भी की गई, लेकिन मरम्मती के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। सभी राशि का बंदर बांट कर लिया गया। राशि बंदर बांट की खबर भी न्यूज टाइम्स चैनल ने प्रमुखता से दिखाई, लेकिन इस लूट पर किसी भी राजनीतिक दल ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिला प्रशासन पूरे लूट का मुक दर्शक होकर तमाशबीन बना रहा। लूट की बंदर बांट की राशि ने सभी राजनीतिक दल और जिला प्रशासन का मुंह बंद कर दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय उच्च पद के कार्यपालक अभियंता और संवेदक की बल्ले बल्ले रही। जबकि जिले में सत्ता पक्ष के 3 विधायक, 1 मंत्री और कांग्रेस के विधायक और सांसद भी मौजूद हैं, लेकिन मामले की जांच नहीं हो सकी। अब सांसद गीता कोड़ा कॉलेज मोड़ से सिंह पोखरिया तक उस सड़क में बने गड्ढे को श्रमदान से भरने में जुट गए हैं। सड़क की राजनीति से मधु कोड़ा मंत्री और मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। अब यही अजमाइश सांसद गीता कोड़ा भी करने में जुट गई है। शायद उनकी भी किस्मत साथ दे दे। यह जनहित का मुद्दा है, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे को उठाना भी ज़रूरी है। इसके लिए उठा रहे कदम के बारे में जनहित में दिखाना भी है। इसके लिए गड्ढों को भरना भी है। सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा खुद सड़क पर खड़ा होकर गड्ढा को भरने में जुट गए हैं। 3 JCB, 10 ट्रैक्टर और हाईवा की मदद से क्रेशर डस्ट से गड्ढों को भरने का काम जारी रहा। देखिए, ये सिर्फ आज की ज़रूरत की बात नहीं है, बल्कि जब से इस रोड NH-75E जब से मैं सांसद बनी हूँ, तब से लगातार मेरा पहला सांसद बनने के बाद काम यही था कि भाई इस रोड को मरम्मति करें, क्योंकि ये रोड बहुत खराब स्थिति में है। ये सैंक्शन हो गया है, लेकिन वो कब बनेगा कब नहीं, जनता किसके भरोसे रहेगी? आज जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है। आज अपना जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल आ रहे हैं। आज लोग यहाँ पर आने जाने से लोग डर रहे हैं, और इतने हर दिन यहाँ कोई ना कोई गाड़ी खराब हो रही है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। प्रशासन आंख बंद करके मौन है। इसमें प्रशासन को भी मैं दोषी देती हूँ कि जब इस रास्ते से उनको मालूम है कि बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, तो कम से कम इसको रिपेयर कर देना चाहिए, चलने लायक बनाना चाहिए। जनता राम भरोसे, भगवान भरोसे आज अपना जान जोखिम में डाल। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित हो रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। फसल राहत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र जारी होने, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर सहित अन्य योजनाओं की प्रगति के बारे में बारी बारी से जानकारी ली। विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र निर्गमन को लेकर DEO और EDM को आपसी समन्वय बनाकर कार्य में तेजी लाने को कहा गया। सुखाड़ से राहत देने के लिए सरकार ने योजना बना रखी है। अब तक करीब 5,000 किसानों द्वारा निबंधन कराया गया है। 30 से 50% फसल क्षति होने पर 3,000 रुपये प्रति एकड़ और 50% से ज़्यादा फसल क्षति होने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। किसान प्रज्ञा केंद्र या सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। PM किसान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर 4 महीने पर किसान के खाते में 2,000 रुपये भेजती है। जिले में 32,000 किसानों का EKYC किया जा चुका है। उपायुक्त ने सभी CO को 3 दिन में 100% लाभुकों का EKYC करने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त ने चैम्बासा और चक्रधरपुर के पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को जल जीवन मिशन के संचालित कार्यों में आ रही बाधा को दूर करते हुए कार्य पूरा कराने को कहा गया है। जल जीवन मिशन के तहत चक्रधरपुर के 16 गांव और चैम्बासा के 10 गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। जिले में 15 अगस्त को 21 अमृत सरोवर का लोकार्पण किया गया है। शेष अमृत सरोवर के कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। हम लोगों ने जो सुखाड़ की स्थिति डेवलप होने की संभावना लग रही है उससे संबंधित कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक की है। इसमें हम लोगों ने झारखंड की जो फसल राहत योजना है उससे संबंधी बैठक करी है कि हम लोगों के आसपास 5,000 के आसपास निबंधन हो चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कृषि पदाधिकारी को डायरेक्ट किया है कि सभी BTMs और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को के माध्यम से और कृषक मित्रों के माध्यम से मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी भी किसान को इसकी आवश्यकता है तो वो अपने संबंधी BTM और BEO से संपर्क में आए और इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। बालिक लड़के की हत्या के आरोपी सुपाय चांपिया उर्फ चाड़ा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने दोषी करार देते हुए मृत्युदंड और 1,00,000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है। घटना गुवा थाना की है। मामला 23 अप्रैल 2022 का है। गुवा थाना के मुंडा टोली निवासी 11 वर्षीय लक्ष्मण पूर्ति उर्फ मुटकुन अपने दोस्तों के साथ कारो नदी नहाने गया था। नदी से नहाकर लौटने के दौरान रास्ते में सुपाय चांपिया मिल गया। उसने लक्ष्मण पूर्ति और उसके दोस्तों को कारो नदी करंट से मछली मारने के लिए रास्ते से वापस लेकर गया। मछली मारने के लिए सुपाय चांपिया ने लक्ष्मण और उसके दोस्तों को बिजली का तार नदी से निकालने के लिए कह रहा था। यह सुनकर लक्ष्मण के सभी दोस्त भाग गए। सुपाय ने लक्ष्मण को पकड़ लिया। लक्ष्मण ने नदी से तार निकालने पर मना करने से गुस्सा में सुपाय ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया। गोवा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत को साक्ष्य मिलने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। आया आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। नीलम शुभ, जी हाँ, नीलम शुभ का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शुभ राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। नीलम शुभ लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में आज SR रुंगटा ग्रुप की ओर से पैरा नेशनल चैंपियन तुलसी कारवा को अत्याधुनिक कंपाउंड धनुष और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल सौंपी गई। SR रुंगटा ग्रुप के सीनियर GM SK पाठक और CSR के किशन ठाकुर ने तुलसी को धनुष और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की चाबी सौंपी। SK पाठक ने कहा कि तुलसी अनुशासित एवं लगनशील है, कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की है। तुलसी के पास संसाधनों की कमी थी, इसको देखते हुए SR रुंगटा ग्रुप की ओर से उन्हें संसाधन मुहैया कराया गया है। इस सहयोग के लिए तुरतुंग प्रशिक्षण केंद्र के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाड़िया ने रुंगटा ग्रुप का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सुविधा मिलने के बाद तुलसी को संसाधन मिलने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना बढ़ गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक की। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है। जिला अंतर्गत 1284 बूथों पर बूथ लेवल पदाधिकारी के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। उपायुक्त के द्वारा जिले के सभी मतदाताओं से अपील किया गया है कि प्राप्त निर्देश के तहत आप सभी अपने अपने मतदाता पहचान पत्र का आधार के साथ लिंक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करवाएं। इसके लिए सभी मतदाताओं को फॉर्म 6B भरकर BLO के पास जमा करना है। कोई भी मतदाता गरुणा ऐप के माध्यम से स्वयं ही इस कार्य को कर सकता है। बैठक में उपायुक्त द्वारा कहा गया कि सभी संलग्न पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में वोटर ID एवं आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर संवेदनशील रहें, ताकि आने वाले दिनों में जिले के सभी मतदाताओं के पहचान पत्र का आधार के साथ लिंक किया जाना सुनिश्चित हो सके। सदर अस्पताल परिसर में संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज में आज कैंपिंग एंड लाइटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त अनन्य मित्तल शामिल हुए। उपायुक्त सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कौशल नर्सिंग कॉलेज के तृतीय बैच की 120 छात्राओं के बीच नर्सिंग कैंप एवं सेवा भाव के प्रतीक स्वरूप दीप भेंट किया गया। कैंप एवं दीप वितरण के उपरांत छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। छात्राओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने कहा कि नर्सिंग कार्य समर्पण भाव से काम करने का अभिप्राय है, जो लोगों को कष्ट से निजात दिलाने में सहायक होता है। इस कौशल महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारे समाज की बेटियां एक उन्नत जीवन बसर करने के लिए अग्रसर हो रही है। ये कॉलेज बहुत समय से यहाँ पर चल रहा है और ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी सारी बच्चियां यहाँ पर हुनर प्राप्त करके यहाँ से अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अन्यत्र क्षेत्रों में जाती हैं और हेल्थ के एरिया में। प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार आज डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव फंड द्वारा संचालित लाख खेती को देखने पहुँचे। झिकपानी प्रखंड की चिरिया पहाड़ी किसान सोसाइटी के द्वारा बेर के पेड़ पर किए जा रहे लाख खेती को देखने पहुँचे आयुक्त ने किसानों से पूछा कि लाख की खेती कैसे की जाती है और कितने महीनों की होती है, इसे कैसे दूसरे पेड़ों पर लगाया जाता है, इसे कितना मुनाफा होता है। उन्होंने किसान कोऑपरेटिव के महिला किसानों से आग्रह किया कि आप लोग लाह से चूड़ी बनाइए और चूड़ी बनाकर बिक्री बाजार में करिए, इससे अधिक मुनाफा होगा, इसके लिए प्रशासन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। उन्होंने लाह प्रोसेसिंग यूनिट को देखने के लिए झिकपानी प्रखंड के विंगतोमपांग सादोबासा गांव में जाकर वहां के किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाह प्रोसेसिंग यूनिट मशीन का अवलोकन किया। इसके बाद बारी बारी से मशीन के कामों के बारे में जानकारी ली। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ANDE, जिला मलेरिया निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मीना कंडुलना सहित 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभारी शामिल हुए। बैठक में सिविल सर्जन के द्वारा बारी बारी से सभी प्रखंडों की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोल्हान एग्रीकल्चर फर्म सोसोहातु की ओर से सरजुम उम्बुल आधुनिक एम्बुलेंस सेवा के सहयोग से तातनगर हाट परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। चंद्रमोहन बिरवा ने एम्बुलेंस की खासियत और मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। राष्ट्रीय मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति में टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय के 3 विद्यार्थी सत्र 2021-22 में अविनाश पूर्ति, खुशबू जामुदा और फरवरी आल्डा सफल रहा। इस सफलता पर प्रधानाध्यापक उपेंद्र सिंह ने बधाई दी है। आज के लिए बस इतना ही।
कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।